हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कानपुर में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आइस बॉल्स गिर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरी जो रोड है वो पूरी भरी हुई है, पूरी जो है ओलों से भरी हुई है, देख सकते हैं आइस से। तो बहुत बड़े बड़े जो बॉल्स गिर रहे हैं आइस के, तो देख सकते हैं। मैंने तो इसको पहली बार देखा है, वैसे तो देखा है पहले लेकिन कम थोड़ा बहुत था, लेकिन आज जो है मैंने देखा बहुत बड़ा, और जो बॉल्स थे ना बहुत बड़े बड़े हैं। सो देख सकते हैं, सो फ्रेंड देख सकते हैं कानपुर में हैवी ओले गिरे हुए हैं, देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े बॉल्स हैं आइस के, बहुत बड़े तो देख सकते हैं आप। अब खतरे गिर रहे हैं, देखो अब पानी गिरा, देखो तो मोरंग में, मोरंग देखो पूरी पत्तों से वो हो गई है, देखो नहीं ना तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरी छत में जो है ओले गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ओले गिरे हुए हैं। तो मेरे जो घर का जो गार्डन है आप देख सकते हैं, ये जो है नींबू है, नींबू की जो पूरी पत्तियां हैं पूरी झड़ चुकी हैं। तो मेरे घर का गार्डन है, प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे थे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। पेड़ पौधे भी वो हो गए, ख़राब हो गए, देख सकते हैं पत्तियां कैसी गिरी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर का ही नहीं है, आज जो ये ओलावृष्टि है कानपुर में ही नहीं उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी हुआ है, काफ़ी जगह अन्य ज़िलों में भी इसका, तो किसानों को भारी मात्रा में बहुत नुकसान हुआ है खेती का। तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं बहुत ही भारी मात्रा में जो है ओला वृष्टि हुई है, आप देख सकते हैं। और इसका जो नुकसान है बहुत ही लोगों को हुआ है, किसानों को बहुत हुआ है, तो आप देख सकते हैं आज। Thank you.